पवन सिंह के डायरेक्टर प्रेम राय ने जमकर तारीफ की है दिनेश लाल यादव निरहुआ की। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी की तारीफ करना बहुत बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि यहाँ किसी के काम को कोई अप्रिशिएट जल्दी नहीं करता। अब ऐसे में प्रेम राय ने क्यों दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में वो लिखा जो कि उन्हें पवन सिंह के बारे में लिखना चाहिए था। आपको बता दें कि प्रेम राय के साथ फसल फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पराग पाटिल। आपको यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि प्रेम राय इन्होंने बॉस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और अब फसल फिल्म को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन दोनों एक्टरों के साथ काम करने के बाद उन्होंने बॉस फिल्म के लिए पवन सिंह के लिए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि फिल्म को जरा भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं पवन सिंह और हमने 3 से 4 बार उन्हें ये मैसेज पहुंचाया कि उन्हें उनकी फिल्म का प्रमोशन करना है और ये ज़रूरी है, लेकिन पवन सिंह ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन वहीं उलट दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए जो उन्होंने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा है उसे सुन कट जो उन्होंने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा है उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को ऐसे ही नहीं भोजपुरी का जेंटलमैन एक्टर कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपने पोस्ट में लिखते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में ये कहा, आपके बगैर ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाती, आपके जैसा काइंड पर्सन मैंने भोजपुरी में नहीं देखा, आपने जिस तरह का सपोर्ट मुझे किया है उस तरह का सपोर्ट मैं किसी और एक्टर से उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे ही आपको भोजपुरी का सबसे काइंड पर्सन नहीं कहा जाता। ये सब कुछ मैं आपकी बड़ाई में नहीं लिख रहा हूँ, मेरा दिल चाहा कि मैं आपके बारे में लिखूँ तो मैंने लिखा। जब प्रेम राय ने ये सब कुछ लिख कर पोस्ट किया तब उनके इस पोस्ट को सपोर्ट करती हुई नजर आई आम्रपाली दुबे। क्या कहना चाहेंगे आप प्रेम राय के इस पोस्ट के बारे में जो उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में लिखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।